हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पार्ट फोर डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के भूखे होते हैं। ठीक, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहती है और वो चाहते हैं कि उनको इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है कि उनका जो आखिरी शेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल है उस, या वैलेंस शेल भी जिसको बोलते हैं, उसमें या तो दो इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर आठ इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, तो हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल हो। ठीक, जैसे हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी हमारी विशेज हैं, जितने भी चीजें हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास होती तो हमारे ड्रीम्स फुलफिल होते या हम स्टेबल होते। इसी टाइप से जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो स्टेबल हो, उनके लास्ट शेल में या तो दो इलेक्ट्रॉन्स हो या तो आठ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स या तो वो ले लेता है या उसको देता है, या फिर ऐसा भी होता है कि वो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसी को, इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन को ही हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, और अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और दूसरा वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट्स के बीच में उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, या फिर हम उसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो हम आयनिक बॉन्ड को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं आयनिक बॉन्ड का। तो यहाँ पे हमारे पास Mg है, ठीक है, मैग्नीशियम लिया हमने और हमें पता है मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282। ठीक है, यानी इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको ये लास्ट वाले दो इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, तब जाके इसके लास्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। और हमें पता है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में या तो आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो दो होने चाहिए। और आप कहोगे वैसे यहाँ पे इसके लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन के साथ एक कंडीशन होती है कि जब भी लास्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हों तो जो लास्ट शेल है वो ही पहला शेल होना चाहिए, यानी उस एलिमेंट का सिर्फ एक ही शेल होना चाहिए और उसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब जाके वो स्टेबल कंडीशन में है। अगर उसके पास दो तीन चार इस टाइप से शेल्स हैं और तब जाके उसमें लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तब वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है। स्टेबल कंडीशन में उसको तब कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स के केस में जब उसके पास शेल सिर्फ एक ही है। ठीक, तो यहाँ पे इसके पास दो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी अगर ये दो फालतू इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तब जाके ये स्टेबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इससे दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स इससे लेने के बाद इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। इसी टाइप से अगर हम Cl देखें यानी क्लोरीन, तो हमें पता है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 287, यानी इसके पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे वाले शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्योंकि इसके तीसरे वाले शेल में सात इलेक्ट्रॉन है तो इसको अगर एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन आठ हो जाएंगे, और आठ हो जाएंगे अगर इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसको आठ इलेक्ट्रॉन मिल गए टोटल, तो इसके पास टोटल आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये भी स्टेबल हो गया। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट चाहिए ताकि वो आपस में बॉन्ड बनाए। ठीक है, और हमने यहाँ पे एमजी लिया है और सीएल लिया है, तो इन दोनों को आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे तब जाके आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक पे पॉजिटिव चार्ज हो एक पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे Mg है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं। ठीक, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करे। इसी टाइप से हमारे पास Cl है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज आ सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहाँ पे Cl सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अगर मैं सिर्फ Mg और Cl को रिएक्ट करवाऊं तो ये रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है तो दो इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए मेरे पे दो Cl होने चाहिए यानी दो क्लोरीन होने चाहिए ताकि एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को मिले और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को मिले। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है,
कि हम जो भी मेटल या एलिमेंट ले रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स हम उसके ऊपर डिनोट करके दिखाते हैं, ठीक है, सिंबल की फॉर्म में। ठीक, अब जैसे यहाँ पे Mg के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो हमने ये दो इलेक्ट्रॉन्स डॉट की फॉर्म में शो करे। इसी टाइप से हमें दिख रहा है क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस की फॉर्म में दिखाए, ठीक है, ये अलग और ये अलग इसलिए दिखाए ताकि ये मिक्स ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं फालतू और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए और इसके पास सिर्फ एक ही है लेने को, तो हमने 2 Cl लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे Mg ने एक इलेक्ट्रॉन दिया इस Cl को और एक इलेक्ट्रॉन दिया इस Cl को। ठीक, अब जैसे ही इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किए इसके ऊपर 2+ चार्ज आ गया क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और ये Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इस Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हमने शो किया है। ठीक, और हमने इसको ब्रैकेट में रख के 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 Cl के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गेन किया वो हमने यहाँ पे डॉट शो भी किया। ठीक, तो जो हमारा आयनिक बॉन्ड है वो कुछ इस टाइप से बनता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है वो होता है फिजिकल नेचर, यानी ये दिखने में कैसे होते हैं, इनका जो फिजिकल अपेयरेंस होता है वो कैसा होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बने होते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स में जो होता है वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, यानी ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, अब आपको पता ही है अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके बीच में बहुत ही हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलते हैं जनरली। ठीक है, और ये साथ में बहुत ही ब्रिटल भी होते हैं, ब्रिटल यानी बहुत ही कच्चे होते हैं, अगर इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये फट से टूट भी जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो फिजिकल नेचर होता है आयनिक कंपाउंड्स का वो कुछ इस टाइप से होता है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। तो जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये हमेशा हाई होता है। ठीक है, और ये हाई इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमेशा जो आयनिक बॉन्ड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हाई होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रांग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो आयनिक बॉन्ड ही है जो आयन्स की वजह से बना है। तो बात करते हैं आप इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना। ठीक है, किसी भी चीज में पूरी तरीके से घुल जाना उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड किन चीजों में घुल पाते हैं और किन चीजों में नहीं घुल पाते। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी वो वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं, और जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे केरोसिन, पेट्रोल या बेंजीन, इनमें ये अच्छे से नहीं घुलते हैं, यानी इनमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन एक्सेट्रा। ठीक, तो बात करते हैं अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयनिक कंपाउंड्स के थ्रू करंट कितनी आसानी से पास कर पाता है या नहीं कर पाता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर उसमें चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो आसानी से पास करेगी किसी भी चीज में। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं अगर उसके सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसमें जो आयन्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है वो आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनके लिए जगह नहीं होगी इधर उधर मूव करने की, तो इसका मतलब जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो आसानी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते, और अगर वो मूव नहीं कर सकते हैं तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। ठीक,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक, तो अगर अब आयनिक कंपाउंड जो है मॉल्टन स्टेट में हो या फिर किसी एक्वा सॉल्यूशन में हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो उसमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्री होते हैं इधर उधर मूव करने के लिए, और अगर आयन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं तो आयन से ही चार्ज बनता है, और अगर चार्ज बन जाएगा उसमें तो आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा उसमें। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो आयन्स होते हैं अगर वो मॉल्टन स्टेट में है या फिर किसी एक्वा सॉल्यूशन में है तो उसमें करंट आसानी से पास करेगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टन स्टेट और इन देयर एक्वा सॉल्यूशन बिकॉज इन दीज स्टेट्स आयन्स आर फ्री टू मूव एंड फ्री मूविंग आयन्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बात करते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है इसमें हम मेटल्स को इनके कुछ प्रॉपर्टीज या कंडीशंस के हिसाब से हम इन्हें अरेंज करते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। तो क्या है ये प्रॉपर्टीज या कंडीशन जिनके हिसाब से हम मेटल्स को अरेंज करते हैं? तो ये जो कंडीशंस या प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो मेटल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ऊंचा होगा। ठीक है, उसको हम उतना ऊंचा रखेंगे या वो सबसे पहले आएगा उस सीरीज में, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेटल दूसरे एलिमेंट्स के साथ या मेटल्स के साथ आसानी से रिएक्ट करता हो वो भी इस रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ऊपर होगा। ठीक है, तो हम इस हिसाब से मेटल्स को एक सीरीज में लगाते हैं और इस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर रिएक्टिव नेचर मेटल्स आर अरेंज इन अ सीरीज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो अगर बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसे दिखती है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे ऊपर होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो सबसे नीचे होगा। ठीक, तो हमें दिख रहा है कि सबसे ऊपर पोटेशियम है। ठीक है, तो पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन भी लूज करेगा और ये आसानी से किसी के साथ बॉन्ड भी बना लेगा, रिएक्ट भी करेगा आसानी से। ठीक, तो जो जितना आसानी से रिएक्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा दूसरे के साथ वो इस सीरीज में उतना ऊंचे पे होगा। ठीक है, तो क्योंकि पोटेशियम में ये सबसे ज्यादा होती है क्वालिटी, तो इसलिए पोटेशियम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, और जो गोल्ड होता है हमारे पास उसमें ये प्रॉपर्टी सबसे कम होती है, या ये कह लो ना बराबर होती है, तो इसलिए वो इस लिस्ट में सबसे नीचे है। तो जो हमारी लिस्ट में है सबसे ऊपर हो गया पोटेशियम, उसके बाद हो गया सोडियम, फिर हो गया कैल्शियम, फिर हो गया मैग्नीशियम, फिर हो गया एल्यूमिनियम, फिर हो गया जिंक, फिर हो गया आयरन, उसके बाद हो गया हमारा टिन, उसके बाद हो गया लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, और लास्ट में गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद रखनी पड़ती है। इसका फायदा ये है कि आगे हम जो इक्वेशंस बनाएंगे या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे हमें जब ये देखना होता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो वहां पे ये चीज देखनी होती है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटा के उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान होनी चाहिए, तब जाके हम उसको कर पाएंगे या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम आसानी से समझ पाएंगे, जब हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ढंग से पता होगा। ठीक, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होते हैं उनको हमें कैसे याद रखना है उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। तो जितने भी ये सिंबल्स है हमारे पास मेटल्स के, हम क्या करेंगे, इनके सिंबल से कोई एक नाम रिलेट कर लेंगे और फिर उस पूरे सेंटेंस को हम ध्यान रख लेंगे। उससे क्या होगा, हम आसानी से इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं उनको आसानी से ध्यान रख पाएंगे। ठीक, तो इस सीरीज में जैसे पोटेशियम को हम के लिखते हैं, ठीक है, के सिंबल से हम उसे डिनोट करते हैं, तो हम के से हमने लिखा कमल, कमल में क्योंकि के लिख रहा है और यहाँ पे भी के है तो ये रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम सोडियम को Na लिखते हैं, ठीक, इसी से हम लिख सकते हैं नाथ, तो नाथ में भी Na दिख रहा है हमें। ठीक है, इसी टाइप से हम Ca जो है हमारा कैल्शियम हो गया, तो इसको हम Ca को का पढ़े, हिंदी वाला का। ठीक, Mg को हम यहाँ पे लिख लेते हैं माली, तो माली में भी M आ रहा है, Mg में भी M है, तो इसको हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसी टाइप से Al यानी एल्यूमिनियम को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम आलू लिख सकते हैं, तो आलू में A और L दिख रहा है हमें, तो इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। इसी टाइप से जिंक यहाँ पे दिख रहा है हम, तो जिंक से हम जरा लिख सकते हैं, तो यहाँ Z दिख रहा है हमें।
इसी टाइप से उसके बाद हमारे पास आयरन आता है जिसको हम Fe लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने Fe लिखा है तो उसमें Fe हमें दिख रहा है तो उसको हम आयरन से रिलेट कर सकते हैं। इसी टाइप से हमें यहाँ पे टिन दिख रहा है, टिन को हम Sn लिखते हैं तो हमने यहाँ आगे लिखा है से, तो यहाँ पे एस है, इसके पास भी एस है तो इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा लेड, लेड का जो सिंबल होता है वो होता है Pb, तो हमने यहाँ पे लिखा पकाता, तो पकाता में पी आ रहा है, पी को हम रिलेट कर लेंगे इससे। ठीक इसी टाइप से H को हम है लिख लेंगे, तो Cu को हम क्योंकि लिख लेंगे, वैसे क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं लेकिन हम Cu लिखेंगे आगे क्योंकि हमें कॉपर से उसको रिलेट करवाना है। ठीक इसी टाइप से जो मरकरी हो गया उसका सिंबल होता है Hg, Hg को H से रिलेट करने के लिए आगे लिख लिया हमने हल्दी, ऐसी हमने Ag को रिलेट करने के लिए लिखवा लिया आगे अजवाइन, और Au को हमने रिलेट करवाने के लिए यानी गोल्ड को रिलेट करवाने के लिए लिख लिया हमने और, जिसमें Au आ रहा है, और बाकी थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, बाकी मसाले कम थे। ठीक अब अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ें तो ये स्टेटमेंट हमें ध्यान रहेगा। ठीक है और फिर इस टाइप से हमें जो मेटल्स हैं उनकी सीरीज भी याद रहेगी। ठीक तो अगर हम इसको एक साथ पढ़ें तो हम इसको इस टाइप से पढ़ेंगे, कमलनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हल्दी अजवाइन और बाकी मसाले कम थे। ठीक है तो इस टाइप से आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में आसानी से ध्यान रख सकते हो, कमलनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हल्दी अजवाइन और बाकी मसाले कम थे, है ना आसान। तो आई होप आज हमने जो चीजें डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आई होंगी, तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।